हेलो गाइस, स्वागत है आपके निगम माल की वीडियो के साथ। दोस्तों हम आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आज बताएंगे फ्लैट ओएस। जी दोस्तों, एक नया थीम आ चुका है और एंटी पोर्ट भाई ने बहुत ही अच्छा मॉडिफाइंग करते हैं। दोस्तों उनका चैनल को जाकर चेकआउट कर लेना एक बार। और उसके साथ साथ गाइज, सब्सक्राइब गाइज नहीं कर रहे हो, वीडियो को लास्ट तक नहीं देख रहे हो, प्लीज़ ये बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाद में आप कमेंट नहीं होते कि भाई ये नहीं हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो गाइज, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए प्लीज़। समझ रहे, 2-3 मिनट से देख लेना, क्योंकि देखो आपको पता लग जाएगा मेन फैक्ट क्या है क्या नहीं। समझ रहे हो ना, तो प्लीज़ देखिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आज आपको बताएंगे फ्लैट ओएस। ओके, जो फ्लैट ओएस मतलब थीम में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। सो दैट चलिए देखते हैं, आज का वीडियो को बिगिन करते हैं। और गाइस, जैसे कुछ आपको देखने को मिल जाता है फ्लैट ओएस देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, पूरा कमाल के लुक के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और एक नया थीम है गाइस, ऑब्वियसली भाई ने मॉडिफिकेशन किया है। और गाइस, हमारा भी एक नया मॉडिफिकेशन थीम आ रहा है। सो दैट प्लीज़ स्टेटमेंट के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गाइस एक चैनल के लिए। और नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक कर लेना दोस्तों, कर सकते हो गाइस, ये मैंडेटरी नहीं है बट कर सकते हो गाइस। ओके, चलिए थीम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं पहले आपको जस्ट रॉ में अप्लाई करके दिखा देता हूँ और इसमें क्या क्या चेंजेस मिलता है और क्या क्या नया मिलता है। दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है नया। गाइस, जैसे आप यहाँ पे थीम को अप्लाई करोगे, कुछ आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और इस तरह कुछ आइकॉन पैक देखने को मिल जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मल सी ऐसा कुछ आपको मिल जाएगी, सॉरी नॉर्मल सी ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाती है। गाइस, बात करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की। दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, पूरा का पूरा चेंजेस नोटिफिकेशन पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ओके, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पैनल आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। बात करेंगे यहाँ पे गाइस, वीडियो की इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे मतलब मिलने वाला है, सो दैट वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो दोस्तों बात करेंगे सेटिंग्स की। जी दोस्तों, सेटिंग्स कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाती है, पूरा का पूरा अमेजिंग लुक के साथ यहाँ पे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है, न्यू इंटरफेस के साथ यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। बात करेंगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन की, जो मोस्ट ऑफ फेवरेट लॉक स्क्रीन है, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को यहाँ पे मिलता है। आप फिंगर का यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पे क्लॉक की, जिस तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर भी देखने को मिल जाता है, ब्लॉर एक अच्छी आपको थीम मिल जाता है। दोस्तों बात करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, जिस तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको ही पता है कैसे क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, बट चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और आपको भी नहीं पता है तो कंटिन्यू कीजिए। यदि ये थीम जो प्रोसेस बताऊँगा, यदि ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, एक वीडियोज आपको पढ़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी चैनल बना रखा था एडिकेटली, उसमें जाकर देख लेना 5 मिनट्स का कैसे ट्रैवल ब्लॉक करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता रहा हूँ, गाइस मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पे देख सकते हो बैटरी के साथ साथ, सॉरी ओके, यहाँ पे देख सकते हो बैटरी के साथ साथ यहाँ पे बैटरी का आइकन भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर बात करेंगे, एक अच्छा मॉडिफिकेशन से एक अमेजिंग क्लीन लुक आपको देखने को मिल जाता है, स्टॉक एडवर्ट जैसा, बहुत ही अच्छा चीज़ है। चलिए गाइस, पहले आपको जो भी थीम्स अप्लाई करते हैं उससे पहले गाइस आपको आपकी थीम स्टोर के अंदर जाना होगा। और जैसे थीम के अंदर जाना होगा, आपको डिफॉल्ट थीम अप्लाई करना है। ऑब्वियसली आपको भी पता है गाइस, आपकी खुद के डिफॉल्ट थीम आपको खुद का अप्लाई करना है पहले, जो भी मतलब थीम अप्लाई करने से पहले, सो दैट इसको अप्लाई कर लेना है गाइस। जैसे अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आपका डिफॉल्ट थीम आपका काम हो जाएगा, तो अभी स्टेप से स्टार्ट करेंगे, अभी स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, सो कंटिन्यू देखते रहिए। ओके, तो गाइस पहले आपको फायर मैनेजर के अंदर जाना होगा और यहाँ पे मतलब बैक करना होगा। ओके, मेरा रजिस्टर है एक्चुअली यहाँ पे, और यहाँ पे जो कॉलरस फोल्डर है गाइस देख सकते हो, यहाँ पे कॉलरस फोल्डर से पहले मैं अभी कॉलरस फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ। देख सकते हो कॉलर फोल्डर डिलीट हो चुका है। अभी थीम स्टोर के अंदर जाना है, आफ्टर के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको स्टोरेज यूज पे जाना है, यहाँ पे स्टोरेज यूजेस को कर देना है क्लियर। ओके, जैसे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका मतलब फास्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। और आपको देखना है थीम स्टोर आपका 6.5 के नीचे होना चाहिए, और देख सकते हो यहाँ पे मेरा 6.5 है, तो ऑब्वियसली ये काम करेगा, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, सो दैट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो गाइज यहाँ पे हो चुका है थीम हमारा अप्लाई फ्लैट ओएस। तो देखिए चलिए, अभी कुछ जो स्टेप्स बचा हुआ है उसको फॉलो करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं और परमानेंट कर लेते हैं हमारा थीम को। ओके, तो गाइज आपको यहाँ पे एगेन जाना होगा फाइल मैनेजर के अंदर, और यहाँ पे बैक बटन के ऊपर क्लिक करके एगेन जाना होगा फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पे जाके आपको जो देख रहा है कलरस फोल्डर यहाँ पे दिख रहा होगा गाइज, तो उसको जाके यहाँ पे कर देना है डिलीट। ओके, जैसे आप यहाँ पे कलरस फोल्डर को डिलीट करोगे, एगेन आपको जाना होगा यहाँ पे थीम स्टोर के अंदर, और यहाँ पे एप्स डाटा, उसके बाद स्टोरेज डाटा को कर देना है क्लियर। ओके,
तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ऑलमोस्ट गई सभी स्टेप हो चुका है हमारा कंप्लीट। लास्ट ही स्टेप बचा हुआ है जो है लास्ट वाला। यहाँ पे आपको थीम स्टोर के अंदर जाना होगा, यहाँ पे आप एग्री करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, अलाउ करना है गाइस। जैसे गाइस अलाउ करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सर्च करना है कि थीम फ्री फायर सेफ जोन। गाइस आपको स्पेलिंग थोड़ा देख के सर्च करना होगा, नहीं तो फिर बाद में नहीं मिलेगा गाइस। देखे ऐसा करके सर्च करना होगा, और जैसे नहीं मिलते तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। देखो तो यहाँ पे आ चुका है मेरा, और जैसे यदि नहीं मिलता आपको यहाँ पे जो थीम्स दिख रहा है साइड में, यहाँ पे थीम्स के अंदर क्लिक करके आप चाहे तो उसको पूरा का पूरा स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हो गाइस। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे मिल चुका है तो मेरे को कोई ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक करने की जरूरत नहीं, आई मोड के कुछ ट्रिक करने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो दोस्तों सिंपली अभी इस मतलब थीम को करना है डाउनलोड, जैसे डाउनलोड हो जाएगा और हमारा थीम परमानेंटली हो चुका है गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम चाहें तो साइमल्टेनियसली थीम को यूज कर सकते हैं परमानेंटली, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। आप ये कीजिए, यदि आपको ये थीम नहीं मिल रहा है प्लीज़ इस पर आप स्पेलिंग ट्राई कीजिए, डिफरेंट टाइप का स्पेलिंग कैपिटल करके स्मॉल करके ट्राई कीजिए, सर्च करने के लिए नहीं मिलता तो थीम सेक्शंस पे देखिए। यदि उसके बाद भी नहीं मिल रहा है गाइस, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा तो वो 5 मिनट्स का जो आई मोड प्रो का जो वीडियो था वो वीडियो को देख लीजिए, जिसके बाद आप चाहे तो परमानेंटली उसको कर सकते हो, उसमें कोई मतलब थीम का जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो होता है मैं आपको बताया हूँ, ज़्यादातर उसको आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक एंड की लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं एक्साइटिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर गाइज। मैं आपको जस्ट परमानेंटली दिखा देता हूँ कि परमानेंटली अप्लाई हुआ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा थीम लिख रहा है कि ऑलरेडी यूज, मतलब हमारा फ्लैट ओएस उसको यूज कर रहा है, सो दैट हमारा फ्लैट ओएस यहाँ पे परमानेंटली हो चुका है, कोई भी एरर कोई 5 मिनट का ट्रायल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। मेरे को उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।